बच्ची की हत्या कर शव फेंका गन्ने के खेत में। लखीमपुर खीरी सिंगाही इलाके में एक गांव में एक दिन पहले लापता हुई 3 साल की बालिका की हत्या कर शव गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। बालिका के सिर और गले पर चोट के निशान मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही सीओ के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने शव को लेकर थाने भिजवा दिया है। परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर अगवा कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। जानकारी मिलने के बाद पहुंचे एसपी ने मौके का मुआयना कर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। थाना क्षेत्र के एक गांव की 3 साल की बालिका सृष्टि 3 साल की शुक्रवार को सुबह 10 बजे से खेलते खेलते लापता हो गई। इसके बाद से घर व गांव के लोग के आसपास उसकी तलाश कर रहे थे। गुरुवार को तलाशी के दौरान तलाश हुए परिवार और गांव के लोग मठहिया नौबना रोड से करीब 200 मीटर पश्चिम निर्मल सिंह खेत में पहुंचे तो मेड़ से 10 मीटर अंदर बालिका का शव पड़ा मिल गया। शव मिलते ही घटना की सूचना दी, जिस पर 2900 पीआरबी के पुलिस कर्मियों मौके पर पहुंचकर घटना से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद भी सीओ प्रदीप वर्मा व एसओ प्रदीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर थाने ले जाकर पंचायत नाम कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बालिका के पिता राजेश ने गांव के लेखराम पर रंजिशन अगवा कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। वहीं घटना की जानकारी बाद एसपी सत्येंद्र सिंह ने घटनास्थल पर आरोपी की गिरफ्तारी जल्द किए जाने के निर्देश सिंगाही पुलिस को दिए हैं। कल लड़की 10 बजे गए भैया, फिर ढूंढे हुए, फिर आज मिली लड़की गन्ना के खेत, फिर पुलिस का बतावा 2 घंटा बाद पुलिस आई। पुलिस के कोई तहरीर वगैरह दी गई है बिना? कल आज दही गिरा है सुबह, तो क्या लगता है आपको किसने मारा, कोई रंजिश वगैरह? हाँ, क्या मामला है इसमें? ये ऊंची मटहिया गांव पड़ता है थाना सिंगाही में, इसमें एक 3 वर्षीय बच्ची का शव आज मिला है। ये लड़की कल सुबह 10 बजे से गायब थी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं घटनास्थल का हम लोगों ने मुआयना कर लिया है और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना है। सर, परिजनों ने आरोप भी लगाया है? अभी मैं परिजनों से ही बात करने जा रहा हूँ। इस घटना का शीघ्र निवारण करके जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई। सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला सर आ रहा है? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, थोड़ी देर में जब मैं सब पूरा चीज़ें देख लूँगा तो मैं ठीक।